वन वन है फिश, ठीक है। तो यू विल फाइंड दिस चैप्टर ऑन योर पेज नंबर 37 ऑफ कोर्स बुक। कोर्स बुक के पेज नंबर 37 पे आप लोग देखेंगे। लेट्स बिगिन। फिशरमैन वर्क हार्ड एवरी डे टू कैच फिश टू सेल इन द मार्केट। क्या बोल रहे हैं, फिशरमैन डेली जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो डेली बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो फिशेस को पकड़ सके, उन्हें बेच सके मार्केट में, है ना। दे ब्रिंग सम ऑफ देयर कैच होम टू फीड द फैमिली, और फिर वो थोड़ा सा बचा हुआ जो रहता है उसको अपने घर में भी लाते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को भी खिला सके। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द फिश वुड टॉक एंड रिक्वेस्ट द फिशरमैन नॉट टू कुक और सेल देम। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। अब अगर सोचो आप लोग, अगर मछली बात करने लगे, फिश जो है वो बात करने लगे और रिक्वेस्ट करने लगे फिशरमैन से कि उन्हें पकाए ना, उन्हें बेचे ना, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम यही पढ़ने वाले हैं हमारी पोयम में। तो हम पोयम स्टार्ट करते हैं। वेंकट द फिशरमैन सेल्ड हिज बोट एट डॉन, पीड इन टू अरेबियन सी ट्राइंग नॉट टू यॉन। क्या बोल रहा है, वेंकट जो है वो एक फिशरमैन है, उसने अपनी बोट को नदी में उतारा है डॉन, डॉन यानी एकदम अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, एकदम सुबह सुबह, और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर वो कुछ वो देख रहा है, कुछ चीज ढूंढ रहा है अरेबियन सी में, और वो जमा लेना यानी नींद में जाने की बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा है, वो एकदम फ्रेश रहकर एक काम कर रहा है। वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्ट्रगी नेट इनटू द डीप ब्लू सी एंड वेटेड टिल सनसेट। क्या बोल रहा है कि अब वेंकट जो है, जो कि एक फिशरमैन है, उसने बहुत अच्छे से अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेट जो होती जिससे मछली पकड़ते हैं उसको फेंक दिया काय में ब्लू डीप सी जो है उसमें, और फिर वो सनसेट तक यानी सूरज डूबते तक वेट किया। वेंकट द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश, ही थॉट ही विल मेक अ नाइस स्पाइसी फिश डिश। अब उसने क्या किया, एक बड़ी सी फिश को उसने अपनी जाल में पकड़ लिया और उसने सोचा कि अब वो एक अच्छी टेस्टी सी नाइस सी फिश की डिश बनाएगा या फिश पकाएगा। वेंकट द फिशरमैन कम बैक टू हिज हट टू मेक हिज टेस्टी फिश करी, ही बॉट अ फ्रेश कोकोनट। क्या बोल रहे हैं, अब वेंकट अपने घर पे आया, अपने हट पे आया जो वो फिशरमैन है, और उसने डिसाइड किया कि वो टेस्टी सी फिश करी बनाएगा, और इसलिए उसने क्या लेकर आया, फ्रेश कोकोनट। ओके, वेंकट द फिशरमैन गॉट रेडी टू कुक फिश बट फिश होल्ड एंड सेड प्लीज डोंट बी सो सेल्फिश। क्या बोला उसने, अब वेंकट बिल्कुल रेडी हो गया कि वो फिश को बनाएगा, तभी एक जोर से चिल्लाती हुई सैड सी वॉइस आई की जो कि थी फिश की, कि तुम इतने सेल्फिश मत बनो, इतने कुकर्स नहीं बनो। आई वॉन्ट टू लीव ओ वेंकट, इफ यू बी काइंड टू मी आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन फॉर फ्री। उसने क्या बोली कि जो वेंकट मुझे रहना है, मतलब मुझे पका के मत खाओ, मुझे मत मारो, मुझे जिंदा रहना है, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हें फ्री एंटरटेन करूंगी। ओके, आई विल स्विम नो मोर ओ वेंकट इफ यू पुट मी इन फ्राइंग पैन, लेट मी स्विच डाउन स्विच डोंट मेक मी अ डिश, बी अ गुड जेंटल फिशरमैन। उसने क्या बोला कि मैं कभी वापस से तैर नहीं पाऊंगी वेंकट, अगर तुमने मुझे फ्राइंग पैन में डाल दिया तो, है ना, प्लीज तुम मुझे पानी में छोड़ दो, मुझे तैरने दो, मेरी डिश मत बनाओ और एक अच्छे और गुड फिशरमैन बनो। Hearing this, Venkat stopped. He got mighty upset. The fish sure is happy and safe, because now it's Venkat's pet. और आखिरी में क्या हुआ कि ये सब वेंकट सुन के उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, माइटी अपसेट यानी बहुत ज्यादा वो अनहैप्पी हो गया, और उसने फिर, और वो तो अनहैप्पी हुआ बट फिश जो थी वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई और वो खुद को सेफ फील कर रही थी क्योंकि वो अब क्या थी, वेंकट की पैट। ओके, तो ये आपकी पोयम थी, इसके आगे आप लोग देखेंगे लेट्स ट्राई वन। ओके, लेट्स ट्राई वन में आपकी क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, तो सब लोग करेक्ट आंसर टिक करते जाएंगे, पोयम आई होप आप लोग को समझ में आई हो। वेंकट वेटेड टू कैच फिश टिल, वेंकट कब तक रुका था फिश को पकड़ने के लिए, आफ्टरनून, नेक्स्ट डे, सनसेट या नेक्स्ट वीक, सनसेट तक, है ना। तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, तो आप सी पे टिक करेंगे। वेंकट वॉट अ कोकोनट टू, वेंकट ने कोकोनट क्यों लाया था, खाने के लिए, मेक कोकोनट ऑयल बनाने, गिव इट टू हिज नेबर, नेबर को देने के लिए, या मेक फिश करी, तो फिश करी बनाने के लिए उसने लाया था, तो आप लोग डी पे टिक करेंगे। ओके, द फिश होल्ड एंड सेड, फिश ने जोर से चिल्ला के क्या बोली थी, सेल मी टू द मार्केट, पुट मी बैक इन द सी, प्लीज डोंट बी सेल्फिश, या कुक मी इन द फ्राइंग पैन। फिश ने क्या बोली थी, सी वाला ऑप्शन, प्लीज डोंट बी सेल्फिश। फिर आपका फोर्थ वाला था,
वेंकट एनिमी, वेंकट सन या वेंकट पैट, वेंकट की पैट, तो आप लोग डी वाले पे टिक करेंगे। ओके, सो ये आपकी पोयम।